आपका रिएक्शन क्या होने वाला है अगर आपको एक न्यू फ्रेंड के साथ वन चंक पर छोड़ दिया जाए। तो मिलाया था अपने फ्रेंड को, और भाई मेरी हेल्प करना थोड़ी, फटाफट से वीडियो बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन भाई वो तो मेरी वीडियो को कम टाइम में बनाने की वजह, उसमें बहुत टाइम वेस्ट करवा रहा था मेरा, मैं कुछ बना रहा हूँ तोड़ता जा रहा था भाई। और उसने फाइनली मुझे बहुत देर करा दी वीडियो बनाने में, लगभग 2-3 महीने लग चुके हैं वीडियो बनाने में उस नूब की वजह से, और भाई वीडियो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये देख रहे हैं ना गाइस, ये नूब फ्रेंड है मेरा, मैं से लाया था, मैं ये कह रहा था मुझे मेरे पे अच्छा खेलना आता है, तो ना ये उल्टा काम करता है सारा। मैं अगर कहता हूँ इसे भाई यहाँ पर ब्लॉग लगा तो यहाँ से तोड़ देता है ब्लॉग। फाइनली हमारी वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, और मैंने नूब को काम दे दिया है, वो पेड़ लगाने के काम पर है फिलहाल, और हम इतना एक फार्म बना लेते हैं, हमें बाद में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और नीचे चलते हैं, नीचे जो भी मिलेंगे हमें, थोड़ा आयरन, थोड़ा कोल स्टोन वगैरह, थोड़ा हमें कोल इकट्ठा करना है, और डायमंड वगैरह, हमें अपना घर भी बनाना है, फार्म भी बनाना है। काफ़ी टाइम समय लगने वाला है इस वीडियो में, और वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट में बताना नूब का क्या करना है। हमारे पास नूब स्टोन की पिकैक्स है, और हमारे सामने जो भी हम इसे मार सकते हैं, और थोड़ा हमें किस पे खाना भी है, हमारा खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। और रात का टाइम होने वाला है, हमें एक चेस्ट मिली है, चेस्ट में काफ़ी सामान है, और हमारा इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा इधर उधर फिरने से। और हम चेस्ट में अपना थोड़ा सा एक और पिकैक्स बना दें, मुझे अपने न्यू फ्रेंड को भी एक पिकैक्स देनी है, और इसे एक नेदर देनी है भाई। इसे सारा काम मेरा मुझे करना पड़ रहा है, इसका सारे वेपन्स मुझे देने पड़ते हैं इसे। और हमारा खाना पकना शुरू हो चुका है, और आप में से कितने लोग हैं ये सोचते हैं भाई हम भी वीडियो बनाएंगे और हम भी सब्सक्राइबर गेन करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आपको भी यूट्यूबर बनना है, तो गाइस लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक भी दिन मिस मत करना। जो रेगुलर मेहनत करता है यूट्यूब पे वो सक्सेसफुल हो जाता है। यूट्यूब का तो ऐसा है, एक मिनट में कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है इस पर, बस लगे रहो, रेगुलर मेहनत करनी है इस पर। देखिए मेरे न्यू फ्रेंड की हरकत, मैं टॉर्च लगा रहा हूँ वो तोड़ता जा रहा है, देखना गाइस इस नूब की हरकत देखना, मैं टॉर्च लगाता जाऊंगा ये तोड़ता जाएगा। वीडियो के बाद में इसे बहुत मारने वाला हूँ, आप भी कमेंट में बताना जरूर ये इस पे बजना चाहिए या नहीं। और नीचे देखते हैं जाके, नीचे हमें क्या क्या मिलने वाला है। और यहाँ पर काफ़ी सामान है, यहाँ पर चेस्ट भी है, लावा वगैरह, यहाँ पर चेस्ट में बहुत सामान है, हमारा काफ़ी हेल्प होगी इससे चेस्ट से। और हमें सैंड वगैरह, और यहाँ पे एक हमें टोस्ट मिला है, हम इसे अपने साथ लेके जाएंगे। और ये मेरा न्यू फ्रेंड पता नहीं क्या कर रहा है, इसे शायद इसे मारना दे भाई, भाई मैं इसे बहुत मारने वाला हूँ, आप ज़रा इसे समझा दीजिए। देखा आपने, मैं यही सोच रहा था इसे भाई खरगोश को मारना दे टोस्ट को, लेकिन इसने भाई क्या भाई ये बहुत तकड़ा नूब है, और हम अपने यहाँ से दोनों, और नूब बोल रहा था मुझे एक शॉर्ट बना के दो भाई, इसे सारा काम मुझे करना, वो कुछ नहीं करता, इधर उधर उल्टे काम करता फिरता रहता है, बस उसका साथ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ होने या ना होने से, उल्टा और वो मेरा टाइम वेस्ट करता है और नुकसान करता रहता है। और यहाँ पर एक छोटा सा हाउस बना है, देखते हैं इस हाउस के अंदर क्या है। और यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है, हमारे रात अब हमारी ऐसे ही गुजर जाएगी। और हमें फाइनली दो बेड मिल चुके हैं, पता नहीं ये किसने रखे हैं, कोई पहले भी शायद आया हो इस वन चंक पर, लेकिन हमारा अच्छा काम हो गया है, हमें दो बेड एक साथ मिल चुके हैं, और अब नूब को भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर नीचे जाने का रास्ता है, सीक्रेट डोर है यहाँ पर एक, चलो नीचे चलते हैं देखते हैं नीचे क्या है। चल भाई नूब आ जा तू भी, भाई ये उल्टे काम करता है वैसा। ओ रे नहीं भाई, यहाँ एक और चेस्ट है भाई, ये एक हाइड होम है ये छोटा सा जी का। अरे भाई इसके अंदर तो गोल्डन सोवर्ड है, और भाई ये फाइनली हमें बनी बनाई मिल चुके हैं, हमें इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और नूब कह रहा है भाई मुझे भी दे दो,
अरे नूब, हमारे पास एक ही है, एक और हम डायमंड इकट्ठे कर गोल्ड लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से चेस्ट उठा लेते हैं। हमें चेस्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़नी है, काफ़ी सामान हो चुका है हमारे पास। और जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो के भाई वीडियो कैसी बन रही है, कैसे लग रहा है आपको वीडियो, मज़ा आ रहा है नहीं। इस वन चंक पर भाई बहुत टाइम वेस्ट किया है हमने। इस वन चंक पर लगभग हमें 2 महीने लग चुके हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे, कमेंट करने में कुछ सेकंड लगेंगे, और सब्सक्राइब करने में उससे भी कम सेकंड लगते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या हमारी वीडियो में कोई कमी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन सी कंट्री के रहने वाले हो ज़रूर बताना हमें, और आपका फेवरेट गेम क्या है वो कमेंट में ज़रूर। और अगर आप भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताओ, और हम पबजी की लाइव स्ट्रीम करते हैं कस्टम रूम में। आप अपनी हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है बनके। हम नीचे चलते हैं, फ़िलहाल हम आगे देखते हैं फॉर्म में क्या करना है हमें, लेकिन हम अभी नहीं जाने वाले हैं। हमें पहले यहाँ पर थोड़ा सा आयरन के ब्लॉक बनाने हैं, और हम यहाँ पर आयरन फार्म क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ पर आयरन फार्म बनाएंगे अभी, और फिर उसके बाद हमें अपना फार्म भी बनाना है। काफ़ी टाइम लगेगा हमें गाइस, और अब फ़िलहाल के लिए छोटा सा ही आयरन फार्म हमारा ये काम चलने के लिए ठीक है, बाद में हम इसे अपग्रेड कर लेंगे। ये काम मेरे दोस्त नूब को दे देता हूँ मैं। अरे नूब, यहाँ पर तुम्हें ब्लॉक तोड़ने हैं, और काफ़ी ब्लॉक इकट्ठे करने के बाद मुझे बता देना, और मैं इतना और कहीं जाता हूँ, कुछ और देखता हूँ। तुम इसे फटाफट से ब्लॉक तोड़ जाओ और इकट्ठे, ये देख लो भाई, इस पर ब्लॉक भी नहीं टूट रहे हैं। थोड़े से वुड काट लेता हूँ, हमें घर भी बनाना है और हमें फार्म भी बनाना है भाई। इसमें बहुत मेहनत होने वाली है, आगे वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। आप लगे रहिए, इतना मैं एक और फार्म बना लेता हूँ ताकि हम जल्द से जल्द आयरन के ब्लॉक इकट्ठे कर सकें, कोल स्टोन इकट्ठे कर सकें। तो हमारा कोबल स्टोन फार्म बन के रेडी हो चुका है, और नूब को भी हम यहीं बुलाने वाले हैं। इसमें 2 बंदे नाम से कोबल स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं। आज नूब इधर आ भाई, यहाँ से तोड़ने हमें, इधर आओ फटाफट से। यहाँ से कोबल स्टोन हमारे काफ़ी जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। हमारा 2 फार्म बन चुके हैं, और आगे हम इस वीडियो में आपको जो दिखाने वाले हैं वो और मज़ेदार होने वाला। लेकिन आप में से कमेंट करके ज़रूर बताना कितने लोग वन चंक खेल चुके हैं, और कितने लोग अभी खेलने को ट्राई कर रहे हैं, और कितने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने बंदे यूट्यूबर हैं। देख लो गाइस, हमारा मॉब फार्म भी तैयार हो चुका है, और हमारा
वीट फार्म, हमारा सब्जी का, खाने पीने का भी काम हो चुका है, हमारे खाने पीने के लिए भी इंतजाम बढ़िया हो चुका है यहाँ पर, हमारे हमने सब कुछ वो रखा है इसमें। और आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना, और देखते हैं चल के कितने मॉब आ चुके हैं। और मुझे लगता है अभी तक एक भी मॉब नहीं आया है, मैं सही बोल रहा था, एक भी मॉब नहीं आया है इसमें, कब मॉब आएगा, हमारे से कोई गलती नहीं होगी। हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कुछ आधा नो पीछे भी जा रहा है, नीचे चल के देखते हैं अब क्या मिलने वाला है, अब के हम और नीचे जाने वाले गाइस, हमें यहीं से सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें और नीचे जाना है, और यहाँ पर तो हमें बाल बाल बच गया। और यहाँ पर एक एंडर पोर्टल बना हुआ है, और यहाँ पर बैड रात हो चुकी है, हमें फाइनल गाइस हमें 30 दिन हो चुके हैं और हम सोने जा रहे हैं, सो चुके हैं हम, सुबह होने हो गई है और काफ़ी टाइम हमें बीत चुका है, अब हमें और ऊपर जाना पड़ेगा वापस से, हमें देखना है हमारा क्या ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी और नहीं गाइस यहाँ पर तो इन्हें ही रखे रहन दी, तो हम इन्हें बाद में आकर लेंगे, हमें मिल चुके हैं ये, और हम ऊपर चलते हैं, अभी हमें कुछ सामान लेना है, हम ले सकते हैं, यहाँ पे रखे ना कोई नहीं ले जाने वाला, हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं और हमें यहाँ क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ है, और यहाँ पर चेस्ट भी रखी है, देख चेस्ट हम बाद में चलते हैं, और एक और चेस्ट है राइट में, और दो चेस्ट इसके अंदर है, और यहाँ अंडर का अंडर पोर्टल बनाने के लिए कुछ सामान है, और यहाँ पर 3 स्टैचू भी हैं, हमने इनमें से सिर्फ अंडर का सामान चाहिए, बाकी हम बाद में ले लेंगे, इतना मेरी स्टोरेज में जगह कम हो रही है, बहुत सामान इकट्ठा कर लिया है, ऊपर पड़ सकता है, और इस चेस्ट में काफ़ी बुक है, और ये सारी बाद में काम आएंगी, इसमें भी बहुत सारी और कुछ खाने का शुगर कैन भी है, और हमें और नीचे जाना पड़ेगा, हम और नीचे जा सकते हैं, ये मैंने ब्लॉग इसलिए लगाए हैं ताकि नोक के लिए कुछ यहाँ पर, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। और हमारा एंडर पोर्टल तैयार हो चुका है, हमें इसमें एंडर आई लगानी होगी, और देखते हैं इसमें कितने की कमी रह जाती है, और बाकी हम ढूंढने चलते हैं, हमने फार्म पे आ चुका हूँ थोड़े से, हमें यहाँ पर शुगर कैन भी लेते हैं, यहाँ पर लगा दिए हैं मैंने सब के सब रो आयरन ब्लॉक के, मैंने रो आयरन बनाए और इन्हें स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, तभी रात हो चुकी थी इसलिए मैं सो गया, सो के उठने के बाद मैंने अपना बैड लिया और सो के उठने के बाद मैंने अपना बैड लिया और मैं चला गया बुक सेल्फ बनाने, बुक सेल्फ बनने के लिए तैयार हो चुके हैं भाई, ये क्या है, तो तेरा ही बुक सेल्फ बने हैं, तो ये 15 हो गई, बताओ कैसे हुए हैं, यहाँ पर कुछ घोड़े थे वे दिखीं दे, मेरे नो फ्रेंड ने मेरे सारे हॉर्स मारते हैं, और अभी देखना है वो कितना बेकार बंदा है। और फाइनली हमारे मोफार में एक मॉब आ चुका है, उसे मार दिया, कुछ खाने का इंतजाम हो चुका है हमारा, और चेस्ट में और हमारे फार्म में हमारे शुगर कैन भी बड़े हो चुके हैं, और हमें काट लेंगे थोड़े से, मैं अपना मॉब फार्म चेक करने के लिए ऊपर आया और देखियो मेरा नोब दोस्त क्या करता है,
अगर आप भी इसके लिए कुछ कमेंट में बोलना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे नूब दोस्त ने कैसी हरकत की। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और मुझे कुछ टॉर्च की जरूरत पड़ने वाली है अपने मोबाइल फोन पे लगाने के लिए। हमें कुछ वुड्स काटने पड़ेंगे, लाइब्रेरी बनाने में इसकी जरूरत पड़ने वाली है कुछ वुड्स के ब्लॉक की। तो हमारी लाइब्रेरी बनके तैयार हो चुकी है और हमें इसमें बाउंड्री लगाना भूल चुके हैं, ये काम हम नोब को देंगे। और चलो देखते हैं हमारे कितने आयरन बन चुके हैं। और फाइनली हमारे यहाँ काफ़ी आयरन इकट्ठे हो चुके हैं और फाइनली ये 43 आयरन है। और ये मेरा दोस्त साला नूबी से कुछ काम ही नहीं आया टैम। और अब मैं फार्म में चलता हूँ, ये काम हमने नूब को दे रखा है। और ये सारे सुगन का कैन काट कर हमें यहाँ पर आलू लगाने होंगे, तो हमारे पे खाने की थोड़ी कमी पड़ने वाली है हमें। और मैं सारे सुगन कैन अपनी चेस्ट में रख देता हूँ। रात बहुत हो चुकी है, हमें सोना है अगले दिन के लिए। और यहाँ पर रात हो चुकी है, अब हमें सोने जा रहा हूँ। और फाइनल हमें 50 डेज हो चुके हैं और सुबह होने के बाद मैंने अपने बेड को लिया और अपने आयरन को देखते हैं कितने आयरन सुबह तक बन चुके हैं। और सारे आयरन कलेक्ट कर लेते हैं, हमें वो काफ़ी ज़रूरत आयरन की पड़ने वाली है। हमें एक आयरन का आर्मर भी चाहिए, आयरन की पिकैक्स, सोवर्ड वगैरह वगैरह। ओह गाइस, फाइनली पूरी रात में 64 आयरन बन चुके हैं और हमारा काम होने वाला है इसमें बहुत आसान। हो थोड़े से और रख देते हैं हम खाना पकाने के लिए, वो चालू हमने रख दिए हैं उसमें खाना पकाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने, हम अपनी शील्ड बना लेते हैं और एक मेरे दोस्त नूब के लिए भी बनानी पड़ेगी यार, इसने तो बहुत परेशान कर रखा है। और अब हम नीचे चलते हैं, हमारे पास डायमंड की काफ़ी सोवर्ड है, आयरन की और पीके एक क्रॉस वो भी है हमारे पास। नीचे एक स्केलेटन है, उसे हम यहीं से मार देते हैं और हमने फाइनली इसे मार दिया है। और देखते हैं यहाँ पर और कितने मॉब्स है, हमें सबको मारना पड़ेगा। और बारिश बहुत हो रही है लेकिन हम इतने नूब हैं, हमने अब तक अपना घर भी नहीं बनाया है, सो जाते हैं। हमें 55 डेज हो चुके हैं कंप्लीट हमारे, अब सुबह हो गई। बेड को लिया हमने फिर से अपने, हम देखते हैं हमारा कितना सामान रेडी हो। ऑक्सीडन भी कलेक्ट करने पड़ेंगे हमको। और भाई डायमंड की पिकैक्स बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लिए क्या काम की चीज़ है, हमें ऊपर जाना होगा थोड़ा। और इसे तोड़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर एक चेस्ट है और इसमें हमें गोल्डन एप्पल मिलने वाले, डायमंड और एंचेंटेड सोवर्ड भी है इसमें, एक हुए भी है और मज़े आ गए। अब हमें फिर से ऊपर जाना पड़ेगा और रात हो चुकी है। तो फाइनली गाइस आज हमें 60 डेज हो चुके हैं और मेरा दोस्त अभी तक पता नहीं क्या कर रहा है, इसका बेड भी वहीं पड़ा है, सो के भी नहीं उठा। हम नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं नीचे जाके क्या मिलता है। और हमें अभी और नीचे जाना होगा जहाँ पर हमने डायमंड गोल्ड देख, और यहाँ पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर काफ़ी डायमंड है, काफ़ी गोल्ड है, इससे हमारा बहुत काम होने वाला है, बहुत हम इससे सब कुछ बना लेंगे, डायमंड के आर्मर, सोवर्ड, डायमंड के पिकैक्स, सब कुछ बन जाएगा हमारा। हम यहाँ सारी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर ऊपर चल के फटाफट से अपने आर्मर बना। देख लो भाई 42 डायमंड्स हमें मिल चुके हैं और यहाँ से हमारा अपना आर्मर बनाते हैं हम फटाफट से। डबल डबल बनाना पड़ेगा, नो फ्रेंड को भी देना है मुझे।
और मैं इसको फटाफट से पहन लेता हूँ, और एक अपने न्यू फ्रेंड को भी देना है मुझे, एक न्यू फ्रेंड के लिए इनके लिए छोड़ देता हूँ। और हमें एक नेदर की ज़रूरत पड़ने वाली है, कुछ देर में हम नेदर बना लेते हैं फटाफट से अपना, और अब हम चलने वाले हैं अपने फार्म की तरफ। देखते हैं इसमें कितने मोब आ चुके हैं, उसमें हमें ऑफर भी लगाने हैं, हमें ऑफर कलेक्ट करने होंगे थोड़े से, हमें 4 ऑफर की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। और हमारे 4 ऑफर बनकर रेडी हो चुके हैं, और हम चलते हैं अपने मॉब फार्म की तरफ, देखते हैं कितने मॉब्स आ चुके हैं उसमें। हमें जिसकी ज़रूरत है वो हमें अभी तक नहीं मिला है, हमें बहुत ज़रूरी चीज। और यहाँ पर एक क्रीपर है, 2 ज़ॉम्बी दिख रहे हैं मुझे, हम इन्हें फ़िलहाल के लिए मार दें, इनसे कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। और अपने 4 ऊपर लगाने हैं हमें यहाँ पर, और मेरे नो फ्रेंड भी आए, सबको मार रहा है जो भी आ रहा है। और मैं सोच रहा था क्यों ना हम एक स्मिथिंग टेबल बना लें, ताकि हम अपने डायमंड के आर्मर को नेदर राइट में कन्वर्ट अपग्रेड कर सके। और हमारा एक काम हो चुका है, हम फटाफट से अपने डायमंड के आर्मर को नेदर में कन्वर्ट करने वाले हैं। हमारा डायमंड अब हमारा आर्मर अपग्रेड हो चुका है अब, और 60 डेज से लेकर हमने 70 डेज तक अपना काफ़ी काम कर लिया है, और हमारा आर्मर भी अपग्रेड हो चुका है। रात हो चुकी है, हम सोने सो चुके हैं, अब जब हम सुबह होने वाली हैं देखते हैं हमें 71 डेज में हमें क्या करना है। मॉब फार्म की तरफ चलते हैं हम अपने, देखते हैं। और यहाँ पर 2 क्रीपर हैं, 1 ज़ॉम्बी है, और हमने इन्हें 4 को मार दिया है। और यहाँ पर एक स्पाइडर भी है, भाग चुका है, दिन में अंधा हो जाता है वो, और लगता है यहाँ पर कुछ काम का मॉब है। और यहाँ पर 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके हैं हमारे, यहाँ बहुत काम का होने वाले हैं, हमें कोल स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। और गाइज बस मेरा दोस्त नहीं यहाँ पर ना ही नूब कहीं का, वो नहीं तो इन्हें दोनों को मार देगा, उसे नहीं पता नहीं चल कितना फ़ायदा होने वाला है। ना ही नहीं ब्रो ना ही, देख लो गाइज इस नो फ्रेंड ने 1 ज़ॉम्बी विलेजर को मार चुका है, इसे नहीं पता ये क्या कर रहा है, मैं इसे यहाँ से नीचे फेंक दूँगा। गाइज जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में ज़रूर बताना है कैसा नोब है मेरे पास, और मैंने इसे यहाँ पर लाकर सही किया है या गलत। और विलेजर को हमने ज़ॉम्बी विलेजर को हमने बोट में रख दिया, हमने इसे सेव कर दिया, लेकिन उसने मुझे बहुत डैमेज दिया है। और हमें खाना और बनाना पड़ेगा, हमारा खाना ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा खाना और पकाना है हमको। और अब चलते हैं नेदर के अंदर, देखते हैं हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, नेदर के अंदर जाना है हमें, फिर उसके बाद एंडर पोर्टल ड्रैगन को भी मारना है। जब मैं नेदर में से बाहर आता हूँ और अपने फार्म की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ मेरा ज़ॉम्बी विलेजर मर चुका है, मेरा न्यू फ्रेंड ने इसे मार दिया है। अब मैं अपने फ्रेंड को नहीं नहीं से नीचे फिर क्या हुआ, फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। और तभी मैं देखता हूँ 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके हैं, और बस भाई मैं अपने फ्रेंड को छोड़ देता हूँ, और इससे पहले वो दोबारा कोई गड़बड़ करे मैं फटाफट से इन्हें दोनों को बोट में बिठाकर सेव कर देता हूँ। और मेरा नो फ्रेंड भी वहाँ आ चुका है, और मैं देखता हूँ, मैं मना करता हूँ भाई अभी इन्हें कुछ मत करना, डैमेज मत देना, नहीं तो ये फिर से मर जाएंगे, और हमें बहुत टाइम लगेगा, इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। और लगभग 80 डेज हो चुके हैं, और मैंने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को सेव कर दिया है, और हमें एक ब्रिंग स्टैंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमने बना लिया है। लेकिन 80 डेज हो चुके हैं और रात काफ़ी हो रही है, अब हमें सोना है। हम देखते हैं 81 डेज में हम क्या करने वाले हैं,
इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके जरूर बताना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और वीडियो में आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो में भाई बहुत टाइम लगता है बनाने में, कमेंट करने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, लाइक कर देना शेयर कर देना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, इस वीडियो को उस पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। और मेरे नू फ्रेंड जो भाई मैं जिसके बारे में अब तक के तुम्हें बता रहा था नू फ्रेंड, वो मैं ही हूँ, मेरा दोस्त बहुत पर्व है।